दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सजनो तुसी पिछले दिनों दे विच एक दो वीडियो ऐसिया देखिया है जिन्हां दे विच साडे साबका MLA साहब या कही बहुत सारे अधिकारी बहुत बुरी तरह मतलब दुहाई पिट रहे ने। एक डॉक्टर बेचारी बहुत तकलीफ महसूस कर रही है। मैं उन्होंने पूछना चाहना है जानना चाहना है कि साडा दो MLA साहब जिहड़े ए रौला पा रहे ने कि जी साडियां पेंशनां कट रहे ने जां पेंशनां कटतियां, इत्थों तक तां बोल रहे ने कि साडा रुजगार ही सी, साडे खर्चे बड़े ने। ते मैं उन्होंने पूछा इस गल दा जवाब देण ओ MLA साहब कि जिस वेले तुसी इलेक्शन लड़दे हो तुसी की वादा करदे हो, की कहिंदे लोकां नूं, सानूं जी सेवा दा मौका दिओ। ते लोकां ने तुहानूं सेवा दा मौका दित्ता है, तुहाडी कोई तुसी कोई नौकरी कीती है, कोई ड्यूटी कीती है? जिहड़े टीचर पढ़ाउंदे ने उहदा 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया लैके और उह लगातार मेहनत करके बच्चां नूं पढ़ा रहे ने, और नाल दी नाल उन्हां दीआं पेंशनां बंद करतीआं सरकार ने, उहदे तुसी बोले नहीं कोई। तुहाडीआं सरकारां ने बंद कीते आ ना, की गल, उहनां दा गुजारा किवें चलेगा जी? अज जे तुहाडी गल होई है तां किवें तड़फदे हो कि साडीआं पेंशनां बंद करतीआं? असीं इत्थे इक डॉक्टर है, कल परसों ने इस्तीफा दित्ता है, उह कह रही है कि लो जी केजरीवाल साहब कहिंदे, सरकार कहिंदी है कि समय सिर आओ ते समय तो पहला ना जाओ। की गल, ये ड्यूटी नहीं करते, तनखाह नहीं लेंदे, तुसी किधरला फार्मूला बनाया भी जो मर्जी हॉस्पिटल दे विच गैर हाजिर हो जाओ, मरीज मरदे तो मरन, इतने ड्यूटी देनी पैनी है। अगर तुसी आपके बच्चे पढ़ाने हैं तो उहदी एडजस्टमेंट तुसी खुद करना, उहनू मैनेजमेंट तुसी आप करना है। वह कोई केजरीवाल दी जां भगवंत मान दी जां किसी भी मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं, उन्होंने तो उत्थों कम लेने हैं। बहुत वधिया, जे एक कम चंगा होया है, करप्शन रोकण दी कोशिश कर रहे ने अधिकारियों, जिन्हां नूं 67-70 हज़ार रुपया तनखाह दिंदे ते उन्हां तों कम लैण दी कोशिश करदे ने, तां किवें तड़फदे हो तुसी? इहदे नाल ही असीं पंजाब गवर्नमेंट नूं इह वी गल कहांगे कि अगले सैशन दे विच इक गल होर पास करो कि जिन्ने भी MLA अज तक रहे ने तनखाहां वी इहनां दीआं बंद करो, जे तुसीं सेवा करनी तनखाह कदी लैंदे हो। दूसरी गल, इन्हां दी जदों MLA बने सी पहली बार उदों तों लैके अज तक दी प्रॉपर्टी दी जांच करवाउणी बणदी है, और जिन्हां दे कोले साधनां तों वध प्रॉपर्टी तैयार होई है उह सारी दी सारी प्रॉपर्टी वी जब्त करो, और नाल दी नाल इन्हां लोकां नूं जेल दीआं हवावां वी विखाओ, और जिहड़ी जिन्नी प्रॉपर्टी वाधू है उह सारी दी सारी नूं सरकारी प्रॉपर्टी क्यों नहीं घोषित करदीआं सरकारां? इह करन दी लोड़ है, इस वेले कुछ नहीं होणा। और लोग सरकार अगर अजिहे कम करेगी तो लोग सरकार दे नाल ने, अगर नहीं करेगी इन्हां गल्लां मूहरे दबेगी जां गोंगियों तों मिट्टी झाड़न की गल करेगी, एवें वाहवा खट्टन की गल करेगी, तो मेरा ख्याल है जिहड़े लोग इन्नी इज्जत दे के इन्ना मान सम्मान दे के एड्डी वड्डी जित करवा सकते हैं ना, ये लोगों को याद रखो, डेग भी सकते हैं, अगर दूजे नूं डेगिया ना, बड़े बड़े दिग्गज लीडर डेग के लोगों ने तुहानूं मान सम्मान दिता है। इस करके इहनूं याद रखियो, ये मान सम्मान है जिहड़ा ये लोगों का है, तुहाडे प्यो का किसी का नहीं। इस करके जिहड़ा फैसला लिया तुसीं शलाघा योग है, असीं इहदी प्रशंसा करते हैं, और इहदे तों पिछे हटण की बजाय अगे वधो, होर अगे वध के मतलब जे फैसले करन की लोड़ है उह करो, ताकि साडे देश दे अंदर साडे राज दे अंदर जिस तरह की मतलब गुंडागर्दी हो रही है इहते कंट्रोल किया जा सके। आ पिछले दिनी साडे मुख्यमंत्री जी मैं देखिया कहिंदे प्रधानमंत्री कोले गए ने, उहदे कोले रिक्वेस्टां करदे आ सानूं कर्जा दिओ। मैं मुख्यमंत्री जी नूं पुछना चाहुंदा है कि जिद्दे तूं बाहर सी उद्दे तूं सुझाव दिंदा सी कि लो जी पैसे इत्थों पैदा किए जा सकते ने, पैसे रेत माफिया तों पैसे पूरे किए जा सकते ने, शराब माफिया दे कोलों शराब जिहां दे जिहड़े ठेके ने बंद करके इन्हां दी कमाई नूं सरकारी खजाने ते लिया के ठेकियां नूं सरकारी दुकानां बना के कमाई कीती जा सकदी है, जे उदों कीती जा सकदी हुण क्यों नहीं कीती जा सकदी? नाल दी नाल
ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਸੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।